ಸೌಕಾ ದೇಡ್ दोस्तों, आज हम आए हैं कॉटन मार्केट में और आज है हमारे दोस्त के यहाँ महाप्रसाद। तो आगे आपको पता चलेगा ही, तो चलिए मार्केट चलते हैं और देखते हैं सब्जी का ख़रीदते हैं। यह है नागपुर का कॉटन मार्केट और आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग है यहाँ पे, महात्मा फुले बाज़ार भी कहा जाता है इसे। और ये है हमारे दोस्त की होलसेल कांदा बटाटा शॉप, शशांक मोरे नाम है और हमारे गांव के ही है। तो चलिए शशांक की दुकान से कांदा और बटाटा खरीदते हैं। यहाँ है हम शशांक का भाऊ कुणाल दादा इकड़े, तो अपने जो बटाटे निवड़ून देते हैं। शशांक भाई के दुकान में हमेशा कांदा बटाटा एकदम फ्रेश मिलता है, हम लोग तो वहीं से लेते हैं। और उसी के बाजू में लहसुन और अलग भी मिलते हैं होलसेल में, वो भी ख़रीद लेते हैं साथ में। वहाँ से हमने लहसुन और अलग ले लिया। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं जो जो हमें महाप्रसाद के लिए ज़रूरी है वो सब्ज़ियाँ हम वहाँ से ख़रीद लेंगे। कॉटन मार्केट नागपुर के सेंटर में पड़ता है और बहुत बड़ा बाज़ार है सब्जियों का। रोज़ यहाँ ट्रकों से सब्जी आती है और आप देख रहे हैं कि बहुत रेल छेल है मार्केट में, हरी हरी सब्जियाँ अपना मन मोह लेती है। तो चलिए हम भी अपने लिए कुछ सब्जियाँ खरीदते हैं। भिंडी कैसी दी ली दादा? 1 किलो। बहुत सुंदर और अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ यहाँ देखने मिल रही है। फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, पडवर, काकड़ी। अपना दोस्त सुमित आगे जा जा के देख रहा है कि कहाँ फ्रेश और अच्छी सब्जियाँ मिल रही है। आज के महाप्रसाद के लिए बहुत मेहनत कर रहा है वो, और सुबह सुबह उठ के उसने मुझे फ़ोन किया। आज तो नींद जल्दी नहीं खुली थी, बट उसी के फ़ोन से मेरी नींद खुली है और हम लोग यहाँ मार्केट में आए हैं। कल से महाप्रसाद के लिए उसकी दौड़ भाग चालू है और देखते हैं, शाम का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से हमने फूल गोभी खरीदे हैं, रंग बिरंगी सब्जियाँ मन तरोताज़ा कर रही है। चलिए दोस्तों, खरीदारी तो पूरी हुई, सब्जियाँ खरीद ली है हमने और अब हम चलते हैं वापस। चलिए शाम को मिलता हूँ आपको प्रोग्राम में। और दोस्तों, स्वागत है आपका शाम को। और हम अभी जा रहे हैं दोस्त के दुकान पे और जहाँ महाप्रसाद है, तो चलिए मैं अभी आपको वहाँ लेके चलता हूँ। और ये है हमारा गोदनी रोड, जिंगाबाई टाकली से गोदनी जाते हुए। मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये रोड पे भी इतनी रौनक आ सकती है और इतनी गर्दी हो सकती है, बट टाइम के साथ सब, समय के साथ सब बदल जाता है। तो देख ही रहे हैं आप, इस रोड पे आज आपको बड़े बड़े शोरूम्स मिलेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल स्कीम्स आई हुई हैं। हमारे दोस्त का भी बड़ा मॉल बना हुआ है यही रोड पे जहाँ हम अभी जा रहे हैं। तो चलिए,
गुरुवार को गोदनी रोड पे बहुत बड़ा साप्ताहिक मार्केट भरता है दोस्तों, सब्जी भाजी और बहुत बड़ा मार्केट होता है और एरिया में ये बहुत फेमस हो चुका है, ये आप देख ही रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं दोस्तों, ये गोदनी रोड है दोस्तों, गोदनी से झिंगाबाई टाकली की तरफ जा रहा है और ये जो बड़ी बिल्डिंग है ये IDBI बैंक है और IDBI बैंक के एकदम अपोजिट में शिवाजी ट्रेडर्स बिल्डिंग मटेरियल्स और हाउस होल्ड फर्नीचर्स के लिए आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज महाप्रसाद का आयोजन किया गया है और उसी की सब तैयारियां अब आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अपना सागर भाई, सुमित भाई, अतुल और जिया जी बहुत मेहनत कर रहे हैं आज के प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम में भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, देवी माता की स्थापना करके हमने नैवेद्य चढ़ा दिया है। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है और प्रसाद लेना लोगों ने शुरू भी कर दिया है। लोग बड़े भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सुमित सागर जिया जी कार्यक्रम की व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए यहाँ अलग से रखी गई है।
बहुत देर हो चुकी है दोस्तों और लोगों का आना भी बहुत कम हो गया है, तो अपने लोग अभी महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उधर राजू बाबू बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और आने के हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग अभी। आदरणीय कुंदाताई राउत ने भी महाप्रसाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। You don't forget your first love. We were young.